उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच सियासी तनाव रहता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। साथ ही ये बात भी स्पष्ट है कि दोनों एक दूसरे से बातचीत ना के बराबर करते हैं, लेकिन पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने फोन लगाकर अखिलेश यादव से बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच पिछले कुछ दिनों में दो बार बातचीत हुई। शुक्रवार को ही बातचीत में पहले दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के साथ हुई बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया। सीएम योगी ने अखिलेश यादव से शिकायत की है कि उनके कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी दौरे में काले झंडे दिखाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री की सभा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने बाधा डालने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि इस मामले को अपने स्तर पर देखें, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सीधे सीधे SPG के हाथों में होती है। बार बार ऐसी घटनाएं ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर SPG अब सीधे निपट सकती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर अखिलेश यादव ने भी मुख्यमंत्री की बात पर सहमति जताई, लेकिन साथ साथ कन्नौज में खुद के साथ हुए उस वाकये का भी जिक्र किया, जिसमें उनके खुद के भाषण के दौरान एक शख्स ने जय श्री राम का नारा लगाना शुरू किया। बता दें कि 29 फरवरी को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के उद्घाटन समारोह के दौरान भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने PM को काले झंडे दिखाए थे। बहरहाल, दोनों नेताओं की बातचीत एक सकारात्मक नोट पर खत्म हुई, जब दोनों ने इस बात पर सहमति जताई कि सियासी और वैचारिक लड़ाई की वजह से नेताओं की सुरक्षा पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक।